यहाँ यहाँ पे आते हैं, हम न्यू क्वेरी पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे मुझे एम आईपीटी के अंदर जो टेबल है डीबी आपका ए एस एल, इसका डेटा चाहिए, सिलेक्ट फ्रॉम एस एल कर दिया। ठीक है, अब रेड लाइन जल रहा है इसका मतलब कि देगा नहीं, क्योंकि इसको रीड नहीं किया, तो हमें इसके आगे क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से लेना पड़ेगा प्रपाथ आईपीटी डॉट डीबीओ डॉट एस एल। अब इसको रन करते हैं, अब डेटा आ गया। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे कि पीआईडी है एंड सीआईडी है। अब पीआईडी क्या है, प्रोडक्ट की आईडी है, मैं डेटा में कहीं भी प्रोडक्ट का कोई ऐसा मैच नहीं है, नहीं है ना। तो अगर मैं यहां लिखूं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ए, हमने एसएल के जगह पे क्या कर दिया, हम कर देते हैं एसएल के जगह पे प्रो, प्रोडक्ट का प्रो है शॉर्ट में लिख रखा मैंने। अब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है 23 12 11, वो उसके सारे डिटेल्स यहां अवेलेबल। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसएल के जगह पे सीयू कस्टमर का कस्टमर, राइट, तो तीन अलग अलग टेबल्स है। तो प्रॉब्लम क्या है कि तीन अलग अलग टेबल से मेरी इंफॉर्मेशन है, देख पा रहे हैं। देखिए जो मेन टेबल हमारा वो है सेल्स का, तो सेल्स में कस्टमर की डिटेल्स अलग है यहाँ पे, प्रोडक्ट की डिटेल अलग टेबल में है और इसका अलग टेबल में है, राइट। तो मुझे डेटा जो चाहिए तीनों शीट से चाहिए, ठीक है, डेटा हमें कहाँ चाहिए, तीनों शीट से चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी ले लिया कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा देना था कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा, हमने यहां पे एम्प्लॉय ले लिया कॉमा, हमने यहां पे मान लीजिए कैटेगरी ले लिया कॉमा। अब यहां पे हम पीआईडी ले रहे हैं, समझे, पीआईडी, और मुझे यहां पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट, समझे। तो प्रोडक्ट नेम के अंदर क्या लगा, स्पेस लगा, तो जिस फील्ड में स्पेस लगा होता है उस फील्ड को कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट स्पेस नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, और यहीं पे देना है मुझे क्वांटिटी, और यहां पे देना है एम आर पी, ठीक है, एम आर। अब मुझे ये डेटा चाहिए, अब यहां पे मैं कॉमा करता हूं और दो टेबल चाहिए, दो टेबल मैंने ले लिया, दो टेबल। अब यहां पे एसएल की जगह पे हमने प्रो डाल दिया, प्रोडक्ट का प्रो, ठीक है। अब ये देखिए पीआईडी रेड हो गया, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप दो टेबल से डेटा, दो टेबल के ऊपर वर्क कर रहे हैं और कोई एक फील्ड दोनों टेबल में सेम है, तो आपको उसके आगे यहां देना पड़ेगा कि मुझे यहां एसएल का प्रोडक्ट चाहिए, पीआईडी चाहिए, ठीक है। अब रिलाइन हट गया, अब यहां पे कंडीशन देना है कि वेयर एसएल डॉट पीआईडी इक्वल टू प्रो डॉट पीआईडी, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, यहां पे दिख गया, क्लियर है, कोई दिक्कत में, कोई दिक्कत इसमें। अगर मान लीजिए तीसरे से लेना है मुझे कि मुझे यहाँ पे मुझे सीआईडी चाहिए, तो मैंने बोला एस एल डॉट सीआईडी, और फिर मुझे सीआईडी का जो नेम है यहाँ पे देखेंगे कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी का नेम डाला हुआ है कॉलम पे, आइए यहाँ डालेंगे,
लास्ट नेम दिख रहा है ना आपको, ये चाहिए, सिटी चाहिए, मान लीजिए सिटी चाहिए मुझे, सिटी। अब सिटी जो है वो तो तीसरे कॉलम में है, तो अब इसको यहाँ पे कॉमा करना पड़ेगा, कॉमा यहाँ देना होगा, IPT डॉट DBO डॉट और यहाँ पे SEST कस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एंड कि SL डॉट CID इज इक्वल टू कस्ट डॉट CID, ठीक है। अब रन कीजिए, यहाँ पे CID भी आ गए और उसके नेम भी आ गए दूसरे कॉलम से, क्लियर है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें हमने कहीं ज्वाइन का यूज नहीं किया, तो ये हम जब पहले हमारे पास ज्वाइन नहीं थे 2000 ऑफिस 2000 सर्वर 2005 वगैरह में इसी मेथड के यूज करते थे, ठीक है, इसी मेथड का यूज करते थे। लेकिन अगर हम बात करें लेटेस्ट एक्सेल की, इसमें इधर की, तो इसमें आया है ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट मोस्ट आउटर ज्वाइन, इस तरह के ज्वाइंस आए, ठीक है। यहां लिखा इनर ज्वाइन ऑन IPT डॉट DBO डॉट हमने प्रो कर दिया, और यहां देंगे ऑन, यहां लिखेंगे कि SL.PID इज इक्वल टू प्रो डॉट PID, ठीक है। अब रन कीजिए, देखिए डेटा आ गया। इससे पहले जो हमने दिया उसमें इसमें क्या फर्क है, इसमें ज्वाइंस के टाइप है, जैसे हमने लिख दिया इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन लिख दिया। अब इसमें एक चीज और कर देते हैं, इसको और कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक बार पेस्ट करते हैं इनर ज्वाइन भी, तो हम यहाँ पे कस्टमर कर देते हैं CUST कस्ट ऑन, और यहाँ पे CID और यहाँ पे हम दे देते हैं कस्ट डॉट CID, ठीक है। और यहां पे कॉमा SL.CID और SL. इसे कस्ट डॉट लास्ट नेम एंड सिटी, कस्ट डॉट सिटी, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, तो दो टेबल से डेटा आ गया, इसमें एंड और का चक्कर नहीं है। इनर ज्वाइन हमने कैसे लिखे, आप अपने सारे फील्ड्स नेम लिख दें, और ध्यान रखें जितने भी जरूरी कि दो ही हो, हम दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, हम दो से ज्यादा को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप ऐसे फील्ड्स को चूज कर रहे हो सिलेक्ट में जो फील्ड दोनों में कॉमन नेम से है, जैसे PID CID दोनों कॉमन नेम है ना, जैसा यहाँ ऐसा वहां भी है क्या, तो ऐसे केसेस में क्या करें आप, उनके टेबल का नाम उसके आगे लिखिए। जैसे यहां लिखा हमने SL.CID, लिखा हमने CUST.CID, समझे, इसका नाम लिखेंगे। और यहां पे हम इनर ज्वाइन बोले, और दूसरा अगर आपके कॉलम नेम में स्पेस या स्पेशल करेक्टर वगैरह है तो क्या कीजिएगा, उसको जी हाँ ब्रैकेट्स, हम लोग इसको बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम ज्वाइंस की टाइप देखते हैं, अभी जो आप देखे इनर ज्वाइन,
अब ज्वाइंस के टाइप्स जानने के लिए आपको आई थिंक एक एसक्यूएल का एक आर्टिकल दिया था, चलो मैं दोबारा उसी आर्टिकल में पूछता हूँ, ठीक है ना। ये वेबसाइट दिया था पढ़ने के लिए, आई थिंक आपने पढ़ा होगा एसक्यूएल सर्वर वाले सेक्शन में, यहां आपको दिखेंगे ज्वाइन। ज्वाइन ठीक है ना। अब ज्वाइन में तीन तरह के होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। अब तीनों डिफरेंस क्या है समझिए, ये तीनों का यूज क्या होगा। देखिए क्या होता है कि जब आप दो टेबल के बीच में आप लुकअप करेंगे तो समटाइम ऐसा होगा कि एक टेबल में डेटा है, कुछ डेटा टेबल टू में नहीं होगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। एज इनर के ज्वाइनर टाइप वही होता है। अगर हम इनर ज्वाइन की बात करें तो ये वही डेटा दिखाएगा जो दोनों टेबल में या तीनों टेबल में, ठीक है। जैसे आपके पास फाइल वन है और फाइल टू है, फाइल टू वन में मान लीजिए 20 कस्टमर और फाइल टू में 22 कस्टमर, तो लेकिन फाइल वन और फाइल टू के बीच में टोटल कॉमन 15 कस्टमर है, बात समझे। हेलो, मैं एक्सेल समझा। हाँ देखिए यहाँ पे टेबल वन आ गया, या आपका टेबल टू आ गया, या आपका टेबल टी थ्री आ गया, ठीक है। अब टेबल वन में 1 2 3 4 5 6 कस्टमर है, राइट। टेबल टू में 1 2 3 5 एंड 6 है, और टेबल थ्री में 2 3 4 एंड 6 है। तो डेटा अगर तीनों पे अगर इनर ज्वाइन करते हैं तो क्या आएगा पता है आपको, ये आएगा 2 3 6, क्या आया 2 3 6। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 5 एंड 6, ठीक है। मतलब कि वही डेटा आएगा जो डेटा जितने भी ज्वाइंस आपने लगाए हैं सारे ज्वाइंस में कॉमन अवेलेबल, तो इनर ज्वाइन कहलाता है। अब बात करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन का, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि टेबल वन का पूरा आएगा बट टेबल टू का वही आएगा जो टेबल वन में है। मतलब कि A1 से लेके 6 तक, ये आपको 6 तक है ना, आपको 6 तक पूरा आएगा, 4 बीच में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें 8 कर दिया मैंने तो इसमें क्या होगा कि इसका 8 इसमें नहीं आएगा, मतलब 8 पूरा दिखाएगा और इसका वो पार्ट दिखाएगा जो है। अब इसको मैं लाइव करके दिखाता हूँ, जाइए मेरे पास डेटा होगा इसमें। ये यहाँ पर TB1 टेबल वन है, इसको हम डिजाइन पे इसमें करते हैं लाइक थाउजेंड। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 तक है ना। अब टेबल टू करते हैं, अब टेबल टू में 15 के अलावा ये चीजें भी है, दिख रहा है ना आपको, कुछ फालतू के रो भी ऐड है ना मैम, दिखा ना। एक मैं दोनों इकट्ठा देखा तुम जाइए, देखिए दो टेबल आ गए। अब तीसरा हम यहां पे आउटर लगाता, यहां पे अगर मैं लेता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने बोल दिया टेबल वन, ठीक है, और फिर यहां पे इनर ज्वाइन किसके साथ, तो TB2 के साथ, और ऑन मतलब कि क्या करना है इसमें, तो हमने बोल दिया कि TB1 डॉट
आई डी इक्वल टू है टीवी टू डॉट आई डी, ठीक है। अब इसको रन कीजिए, यहां पे देखिए ये आपका तीसरा टेबल जो आया है ये आपका ज्वाइन है, आपको दिख रहा है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है कि पूरा का पूरा लिया हुआ है, दिख रहा है ना, पूरा का पूरा लिया हुआ है डेटा, तो दोनों टेबल का डेटा उठ के आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही डेटा आया है जो कि हमारा दोनों में है ना। आप देखेंगे टेबल टू, टेबल टू के अंदर बहुत सारे फालतू कॉलन है नहीं आया है, और टेबल वन में भी कुछ ऐसे हैं जो कि टेबल टू में नहीं है, वो नहीं आया, नहीं आया ना। अब जैसे कि एक काम करता हूँ, एक एंट्री और करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ टीवी टीवी वन में आता हूँ, राइट क्लिक और डिजाइन में इसमें एडिट पे गया, और इसमें एक एंट्री मान लीजिए मैं कर देता हूँ 16 का, 16 में मैं नमन और दिल्ली, और यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है 10 फील्ड का, ठीक है, हो गया एंट्री। अब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इसमें यहाँ पे 16 वाला पार्ट नहीं आएगा, 13 तक है ना, एक्सक्यूट कीजिए, देखिए यहाँ 16 वाला पार्ट आया नहीं आया, 15 तक है। तो इनर ज्वाइन क्या किया, दोनों में जो कॉमन था वो दिया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इन्हें हटा देता, लिखता हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, हमने क्या किया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इससे क्या होगा कि यहां देखिए टेबल वन के बिहाफ पे लगा तो टेबल वन का 16 आ गया, आया ना, टेबल टू में 16 नहीं था उसके जगह पे क्या आ गया नल आ गया, क्या आ गया नल आ गया, लेकिन बाकी डेटा टेबल टू से नहीं उठाया, मतलब कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब हुआ कि जो फाइल वन आपका है उसका पूरा डेटा आएगा और फाइल टू का वही डेटा आएगा जो कि फाइल वन में अवेलेबल है, जो फाइल वन में अवेलेबल नहीं है उसके जगह पे क्या आ जाएगा नल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपको क्लास फोर के वो सारे बच्चे की लिस्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए क्लास फोर के सारे बच्चों का लिस्ट चाहिए, लेकिन आपको क्लास थ्री का वही बच्चा चाहिए जो क्लास फोर में आया है, बात समझे। जैसे आप स्कूल चला रहे हैं, स्कूल में कुछ न्यू एडमिशन फोर में हुए हैं और कुछ एडमिशंस जो है थ्री से प्रमोट होके आए हैं, तो आपको थ्री वाले प्रमोट के सारे लिस्ट चाहिए, साथ में जो फोर में जो जो डायरेक्ट फोर में ज्वाइन हुआ है वो भी लिस्ट चाहिए, वहां क्या करेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, समझ गए। अब मैं यहाँ पे स्टार लगा दिया, इसमें दोनों टेबल का पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। अब स्टार ना लगाएं तो आप जो जो फील्ड चाहेंगे वो फील्ड लेके आए, ठीक है। अब लेफ्ट के बाद हम बात करते हैं आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन क्या करता है, वो फाइल वन का वही डेटा लाए बस स्वेप हो जाता है, अभी जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन समझा है ना उसी को स्वेप कर देता है, उल्टा कर देता है, मतलब कि फाइल वन के पूरा का पूरा डेटा आएगा और फाइल टू का उतना ही डेटा आएगा जितना फाइल वन में, फाइल फाइल टू का पूरा डेटा आएगा, फाइल वन का उतना डेटा आएगा जो फाइल टू में, समझे कि नहीं आरती जी। ये देखिए कि फाइल टू का पूरा डेटा आया, फाइल वन का वही आएगा फाइल टू में अवेलेबल है जी, जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद एक आता है फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन क्या है, क्या होगा तो पूरा का पूरा डेटा आएगा, यहां पर लिख दीजिए फुल आउटर ज्वाइन, तो पूरा का पूरा डेटा है, पूरा डेटा आएगा, समझे, सारा डेटा आएगा, पूरा डेटा जो भी अवेलेबल है दोनों सीट में वो पूरा डेटा आएगा, दोनों तीनों चौथा जो भी सीट आपने यूज किया है वो डेटा। तो ज्वाइन किस तरह से वर्क करते हैं, एक्सेल में जो वी लुकअप है उसी वी लुकअप के तर्ज में ज्वाइन हमारा वर्क करता है, ठीक है, डेटा को लुकअप करने के लिए।
क्लियर ए आपको आर्टिकल भेज दे रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक पी डेटा नाम का एक फाइल भेजता हूँ जिसमें ओ एस सेल और प्रोडक्ट वाला सारा है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर पाए। बाकी डेटा तो आप खुद तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ज्वाइंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंस पे अच्छा खासा काम होगा। और साथ में किसी भी इंटरव्यू में आप जाइएगा तो इंटरव्यू में ज्वाइंस के बारे में आपसे जरूर पूछेगा, और ज्वाइंस के टाइप भी पूछेगा, इनर ज्वाइन क्या होता है, आउटर ज्वाइन क्या होता है भी पूछेगा। तो एक तो मैंने बताया कि विदाउट ज्वाइन हम कैसे यूज करेंगे, बताया ना सर, जिसमें हमने दोनों टेबल को बराबर कर दिया, वेयर कंडीशन लगा दिया। तो ये यूज कब होता है, जब उन दोनों के अंदर जो कॉमन डेटा लेना होता है तब यूज करते हैं, तो इनर ज्वाइन ना करके इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइन इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन कब यूज करते हैं, जब डेटा क्या लेना है ये डिसाइड करना आपको है, तो हम उस केस में इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन जैसे चीजों का यूज करते हैं, राइट।